खून भी शामिल है अपना इस जमी की खाक में, खून भी शामिल है अपना इस जमी की खाक में, कुल नहीं तो जुज का तो मुख्तार होना चाहिए। हम भी कल तनकीद खाकी वर्दियों पर कर गए, हम भी कल तनकीद खाकी वर्दियों पर कर गए, अब हमारा भी लकब गद्दार होना चाहिए। हमसे न पूछो हाल हमारी खुशी का, अब उनकी जरूरतों का जो सामान हो गए। जो आला जर्फ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, सुराही सर निगू होकर भरा करती है पैमाना। वाह वाह, इश्क ने हम पे सितम ही कर डाला, इश्क ने हम पर सितम ही कर डाला, इन पर अब तक वही जवानी है। वाह क्या बात, क्या बात, क्या क्या, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। गालों को छू रहे थे उसके तलाई झुमके, गालों को छू रहे थे उसके तलाई झुमके, सोने की हो रही थी बैठे बिठाए चांद। وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. जो आला जर्फ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, जो आला जर्फ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, सुराही सर निगू होकर भरा करती है पैमाना। वाह वाह, बहुत बहुत अच्छा। ये मेरा नहीं है। क्या रीजन थी कि आपने लिखना शुरू किया? देखिए, ये जो लिखना की बीमारी होती है ना, ये मुरूसी होती है। तो शायद खून में था। मेरे दादा जो है उर्दू और फारसी में शायरी करते थे। भोपाल से हमारा ताल्लुक़ है। वो मुमताज़ रसूल यक्ता भोपाली के नाम से जो है ना, तो मैं भी शायद खून में था। तो पहली गज़ल जो मैंने लिखी थी वो मैं पाँचवीं क्लास में था उस वक्त लिखी थी। बहुत और जब वो क्या क्या कहा, लड़की का नाम क्या था? मतलब अगर जब पांचवी में लिखी हो तो फिर लड़की नहीं होती, लड़कियां होती। और वो गजल ऐसी थी कि जब मेरी बेगम ने इस वक्त अभी पढ़ी तो कहने लगी, हाँ लग भी रही है कि पांचवी के बच्चे की। बहरहाल ये था बैकग्राउंड शायरी। तुम क्या जानो उन आंखों पर क्यों कर अख्तर मरता है, उनकी गहराई के आगे दरिया पानी भरता है। वाह वाह, बहुत अच्छा। उनकी गहराई के आगे दरिया पानी भरता है। एक और शेर सुन लें के, गालों को छू रहे थे उसके तलाई झुमके, गालों को छू रहे थे उसके तलाई झुमके, सोने की हो रही थी बैठे बिठाए चांदी। वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। गालों को छू रहे थे उसके तलाई झुमके, सोने की हो रही थी बैठे बिठाए चांदी। और वो कॉलेज यूनिवर्सिटी का बहुत जिक्र हुआ तो चार मिसरे वो भी सुन लें आपके। फेल हर इम्तिहान में होते थे, फेल हर इम्तिहान में होते थे, वक्त उसकी जनाब में लगता। फेल हर इम्तिहान में होते थे, वक्त उसकी जनाब में लगता। वो जो चेहरा था एक किताबी सा,
दिल कहाँ फिर किताब में लगता। संजीदगी से शायरी पढ़ना चाहते हैं और पढ़ते हैं तो उनको तो वजन और बहर का थोड़ा बहुत अंदाजा होता है, उन्हें पता चल जाता है कि भाई ये शेर है या नहीं है। ठीक है, बहरहाल एक आजकल एक और हमारी एक वो चल चुकी है जिसे मैं कहूंगा भेड़ चाल, के वो फेसबुक पे बस जो भी है खूबसूरत सी लड़की कुछ पढ़ रही है तो वो फॉरवर्ड करना जरूरी है, चाहे वो शायरी हो ना हो, वजन हो ना हो, उसमें ना कोई परवाह करता। मतलब ऐसा हुआ कि एक साहब ने मुझे भी भेज दी, मैंने कहा यार ये नज्म कह के गजल पढ़ रही है, मतलब ये नज्म नहीं है, ये गजल है जो वो पढ़ रही। कहने लगा यार हमें क्या, हम तो देख रहे हैं। ठीक है, फिर आपने देखना है तो आप देखिए वो एक, लेकिन कम से कम शेर व शायरी पे रहम करें। मतलब एक मतलब एक शेर सुन ले कि तुमने ना हाथ पकड़ा, तुमने ना जब संभाला, तुमने ना हाथ पकड़ा, तुमने ना जब संभाला, फिर क्या संभल सकेगा कोई संभलने वाला। वाह वाह, बहुत। तुमने ना हाथ पकड़ा, तुमने ना जब संभाला, फिर क्या संभल सकेगा कोई संभलने वाला। और लोगों ने हमसे मांगी थी जब्त की गवाही, लोगों ने हमसे मांगी, थोड़ी सी तवज्जो चाहूंगा मुनीर भाई शेर देखिएगा, कि लोगों ने हमसे मांगी थी जब्त की गवाही, हमने भी मुस्कुराकर सीने से दिल निकाला। वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लोगों ने हमसे मांगी थी जब्त की गवाही, हमने भी मुस्कुराकर सीने से दिल निकाला। वाह। लेकिन मैं आपको एक मजे की बात बताऊं कि अच्छा शेर इस तरह से असर करता है कि चाहे किसी जबान में हो, अगर आपको शेरी जौक है और वो, तो वो आपको असर करेगा। मैं आपको एक बात अपनी मिसाल दूं, एक साहब ने कहीं मैंने पढ़ा कि फारसी का एक शेर था, हाफिज का शेर था, मुझे वो एक लफ्ज़ समझ नहीं आया, मुझे फारसी नहीं आती तो, लेकिन वो शेर इतना अच्छा लगा कि मैंने उसको याद कर लिया, याद हो गया मुझे। फिर मेरे ईरान के एक साथी थे काम करते थे साथ, उनको मैंने बताया तो उन्होंने कहा तो हाफिज़ का शेर है, तो वो उस शेर का मतलब इतना इफेक्ट था मेरे ऊपर कि वो जबान से अलग समझ नहीं आ रहा था, लेकिन ये कि उसका रिदम, उसकी बहर और वो उसने असर किया। तो ये चीज़ होती है। और मैं खुद जो है ज़्यादातर वैसे उर्दू शायरी पढ़ता हूँ, और जहाँ तक आपने कहा कि किस शायर को, तो तकरीबन सभी को मैंने पढ़ा है, लेकिन जो कि मुझे ख़ास तौर पे जो मुतासिर किया है तो मैं उस्ताद कमर जलालवी का बड़ा कायल हूँ, उस्ताद की शायरी का ना, तो वो बाकी ज़ाहिर है कि फैज़ भी हैं, फराज हैं, फराज साहब की शायरी जब यूनिवर्सिटी में बहुत से लोगों ने अपनी गज़लें सुनाई तो यूनिवर्सिटी में लोग फराज की शायरी पढ़ पढ़ के जवान होते हैं, तो वो सब है, फैज़ हैं, फराज हैं, मीर हैं, गालिब हैं, सबको पढ़ता है आदमी और सब अच्छे शायर हैं, लेकिन उस्ताद ने मुझे खासा उस्ताद कमर जलालवी, उनकी खास बात जो मुझे पसंद आई ना, आप देखिएगा कि हमारे जो असातिज़ हैं वो हमको कहते हैं कि जब तुम्हें शेर में अपनी कोई बात कहो तो उसको नसर में भी कहो और देखो कि क्या वो बात हो गई, तुमने वो बात कह दी जो नसर में तुम कह रहे हो, क्या तुम्हारे शेर से वो मतलब आया हो रहा है। तो आप उस्ताद के अशार को देखें कि आप उनकी नसर नहीं बना सकते, ऐसा लगता है वो नसर ही है और वही बहर है, वही मतलब शायरी। बहुत बहुत। अमर जलालवी तो असातिज़ा में, हाँ उस्ताद, आज के दौर के सदारत वही किया करते हैं। और शेर क्या खूबसूरत है, पीली में खम कमर में नहीं ज़ोफ़े उम्र से मैं झुक के ढूंढता हूँ जवानी की तरफ। अब ये देखें, यही जो दूसरा मिसरा है, मैं झुक के ढूंढता हूँ जवानी, और ये बेसिकली नसर नहीं है, ये बहर में एक मिसरा है। बिल्कुल। या छूने वो क्या है कि पोछो नारक रुखसारों से रंगीनी हुस्न को बढ़ने दो, सुनते हैं कि शबनम के कतरे फूलों को निखारा करते। वाह। मतलब ये शायरी जो है ना, बिल्कुल अच्छा। इसमें फारसी का शेर सुना दे। अस्पताजी शुदा मजरूह ब जेरे पाला, अस्पताजी शुदा मजरूह ब जेरे पाला, तौके जर्री हम अदर गर्दन खरमी बीनम। इसका मैं तर्जुमा भी सुना देता हूँ कि अस्पताजी शुदा मजरूह ब जेरे पाला, यानी अस्पी घोड़ा, घोड़े की एक वो तो जख्मी हो गया तुम्हारे अपनी जीन के नीचे से, तुमने उस पर इतनी सवारी की कि वो जख्मी हो गया, तौके जर्री हम अदर गर्दन खरमी बीनम। और तौके जर्री जो मैं गधे की गर्दन में देख रहा हूँ, सोचे 500-600 साल पहले हाफिज ने बात कही थी, लेकिन ये आज भी वैलिड है। कि सारे तो नहीं जान बचाने में लगे हैं, कुछ घाव हमें जख्म लगाने में लगे हैं। वाह बहुत अच्छा। सारे तो नहीं जान बचाने में लगे हैं, कुछ घाव हमें जख्म लगाने में लगे हैं, और है सबको खबर शाह के चेहरे पे है कालक, है सबको खबर शाह के चेहरे पे है कालक, आईने मगर सारे छुपाने में लगे हैं। वाह वाह, आईने मगर सारे छुपाने में लगे हैं,
और बेच आए इसे इसके निगहबान कभी का। हम लोग तो आज रो रहे हैं, ये तो 72 में ही हो गया था जो होना था। बेच आए इसे इसके निगहबान कभी का, हम लोग मगर घर को सजाने में लगे हैं। वाह वाह, हम लोग मगर घर को सजाने में लगे हैं। और शेर देखे के बैठा ही नहीं जाता परिंदों में भी अब तो, बैठा ही नहीं जाता परिंदों में भी अब तो, बेपर की यहाँ ये भी उड़ाने में लगे। वाह वाह, बहुत अच्छे, मुकरर मुकरर। बैठा ही नहीं जाता परिंदों में भी अब तो, बेपर की यहाँ ये भी उड़ाने में लगे हैं। और मरने पे खुली है तेरे दरवेश की कीमत, मरने पे खुली है तेरे दरवेश की कीमत, पत्थर भी सराहने के खजाने में लगे हैं, पत्थर भी सराहने के खजाने में लगे हैं। और सहरा में चला आया हूँ कुछ प्यास बुझा लूँ, सहरा में चला आया हूँ कुछ प्यास बुझा लूँ, दरियाओं पे सब पीने पिलाने में लगे। वाह बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, खूबसूरत। सहरा में चला आया हूँ कुछ प्यास बुझा लूँ, दरियाओं पे सब पीने पिलाने में लगे हैं। और शेर देखें कि आ जाएगी चक्कर में हमारे वो किसी दिन, आ जाएगी चक्कर में हमारे वो किसी दिन, हम गर्दिशे दौरा को घुमाने में लगे। वाह बहुत अच्छे, मुकरर मुकरर, बहुत खूबसूरत। आ जाएगी गर्दिश में, आ जाएगी चक्कर में हमारे वो किसी दिन, हम गर्दिश दौरा को घुमाने में लगे हैं। वाह बहुत अच्छे। शेर देखें कि लगता ही नहीं दौरे मोहब्बत भी कभी था, लगता ही नहीं दौरे मोहब्बत भी कभी था, अब लोग यहाँ सिर्फ कमाने में लगे। वाह बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लगता ही नहीं दौरे मोहब्बत भी कभी था, अब लोग यहाँ सिर्फ कमाने में लगे हैं। और मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं कमर साहब, कमर जलालवी से बहुत मुतासर हूँ, तो मैं उर्दू शायरी में कमर जलालवी ने अपने तखल्लुस का जितना खूबसूरत इस्तेमाल किया है ना, शायद ही किसी शायर ने किया। रात की रात मुझे बज्म में रहने दीजिए, आप देखेंगे सहर को न कमर की सूरत। वाह, अब कमर चांद को भी कहते हैं और वो तखल्लुस भी, तो मैं भी कोशिश करता हूँ। तो ये वो मतलब मकता देखिएगा कि सारे तो नहीं जान, तारे न दिखा दूं तो कमर नाम नहीं। जी जी, सारे तो नहीं जान बचाने में लगे हैं, कुछ घाव हमें जख्म लगाने में लगे हैं। और उसने भी तो है वक्त की गर्दिश को संवारा, उसने भी तो है वक्त की गर्दिश को संवारा, अख्तर से कई चांद जमाने में लगे। वाह बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उसने भी तो है वक्त की गर्दिश को संवारा, अख्तर से कई चांद जमाने में लगे हैं। वो सुखन में आपका किरदार होना चाहिए, हर गजल को हाशिया बरदार होना चाहिए, हर गजल को हाशिया बरदार होना चाहिए। और खून भी शामिल है अपना इस जमी की खाक में, खून भी शामिल है अपना इस जमी की खाक में, कुल नहीं तो जुज का तो मुख्तार होना चाहिए, कुल नहीं तो जुज का तो मुख्तार होना चाहिए। और हम भी कल तनकीद खाकी वर्दियों पर कर गए, हम भी कल तनकीद खाकी वर्दियों पर कर गए, अब हमारा भी लकब गद्दार होना चाहिए। वाह मुकरर मुकरर, हम भी कल तनकीद खाकी वर्दियों पर कर गए, अब हमारा भी लकब गद्दार होना चाहिए। और जब सदाओं के गले काटे गए तलवार से, जब सदाओं के गले काटे गए तलवार से, फिर लबे खामोश का किरदार होना चाहिए। वाह बहुत, फिर लबे खामोश का किरदार होना चाहिए। और शेर देखें कि नफरतों के पानियों में जिंदगी चलती रहे, नफरतों के पानियों में जिंदगी चलती रहे, हाथ में बस प्यार की पतवार होना चाहिए। वाह बहुत बहुत, नफरतों के पानियों में जिंदगी चलती रहे, हाथ में बस प्यार की पतवार होना चाहिए। और आपके हाथों में होगा रोशनी का इख्तियार, आपके हाथों में होगा रोशनी का इख्तियार, आपको बस आईना बरदार होना चाहिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, आपके बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आपके हाथों में होगा रोशनी का इख्तियार, आपको बस आईना बरदार होना चाहिए। और शेर देखे कि हम कहाँ तक रात में अख्तर उसे देखा करें, हम कहाँ तक रात में अख्तर उसे देखा करें, दिन में भी अब चांद का दीदार होना चाहिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, मुकरर। हम कहाँ तक रात में अख्तर उसे देखा करें, दिन में भी अब चांद का दीदार होना चाहिए। वो सुखन में आपका किरदार होना चाहिए,
हर गज़ल को हाशिया बरदार होना चाहिए। यह हाशिया बरदार का लफ्ज़ इसमें इस्तेमाल हुआ है, बाज़वत तनकीद के उसमें भी शायद आता है हाशिया बरदार, तनकीद करने वाला। लेकिन इसका असल जो है, जब बादशाह चला करते थे और उनकी पोशाक बहुत लंबी होती थी तो जो पीछे उठा के चलते थे वो हाशिया बरदार कहलाते थे, वरना खुशामदी के भी मानों में इस्तेमाल होता है। तो वो बाज़ लोगों को शायरी नहीं करते, नहीं होती, लेकिन उन्हें कॉन्सेप्ट होता है शायरी का कि मतलब शेर कैसे पढ़ा जाता है, शेर बावजन क्या होता है, बहर में है या नहीं है। तो ये एक एहसास होता है जो थोड़ा सा हो जाता है। बाज़ बारीकियाँ होती हैं, बाज़ अल्फाज या हर्फ ऐसे होते हैं जिनको हम शायरी में, जिनका बिहेवियर, अब मैं आसान जबान में बात करूंगा क्योंकि वो शायरी की ग्रामर थोड़ी मुश्किल हो जाती है, कि उनका बिहेवियर एक से ज़ायद तरीके से होता है। तो उसमें फिर आपको असातिज़ा हेल्प करते हैं कि भाई ये लफ्ज़ आप यहाँ पे इस तरह से इस्तेमाल करें, इस तरह ये सही नहीं है। तो वो फिर आपको थोड़ी सी गाइडेंस भी चाहिए होती है, मिलती भी है। बहरहाल के जॉन एलिया ने एक दफ़ा कहा था कि बहुत से लोग यहाँ पर लिख रहे हैं हालांकि उन्हें पढ़ना चाहिए। तो लिखने से पहले पढ़ना बहुत जरूरी है, जितना मुताला आप कर सकें वो अच्छा रहता है ना। कि इस भंवर को रवानी समझ लिया, वाह बहुत अच्छा। देखें कि चंपा कली वो दिन में भी मुरझा के रह गई, चंपा कली वो दिन में भी मुरझा के रह गई, उसको जो सिर्फ रात की रानी समझ लिया, वाह उसको जो सिर्फ रात की रानी समझ लिया, और कीमत लगी तो हम पे ये अख्तर पता चला, कीमत लगी तो हमको ये अख्तर पता चला, उसने हमारा खून भी पानी समझ लिया, उसने हमारा खून भी पानी समझ लिया। और एक गजल के चंद शेर और देख लें कि वो लोग तो आंखों से भी देखा नहीं करते, वो लोग तो आंखों से भी देखा नहीं करते, जो दिल के दरीचों को कभी वाह नहीं करते, जो दिल के दरीचों को कभी वाह नहीं करते, और ऐसी ही कशाकश में उलट जाती है दुनिया, ऐसी ही कशाकश में उलट जाती है दुनिया, संभले ना अगर दिल तो संभाला नहीं करते, ऐसी ही कशाकश में उलट जाती है दुनिया, संभले ना अगर दिल तो संभाला नहीं करते। और शेर देखें कि रखते हैं मोहब्बत को तगाफुल में छुपाकर, थोड़ी सी तवज्जो चाहूंगा कि रखते हैं मोहब्बत को तगाफुल में छुपाकर, परवाह ही तो करते हैं जो परवाह नहीं करते, रखते हैं मोहब्बत को तगाफुल में छुपाकर, परवाह ही तो करते हैं जो परवाह नहीं करते, और होगा कोई हम जैसा कहां हिजर गजीदा, होगा कोई हम जैसा कहां हिजर गजीदा, मातम भी तो तन्हाई का तन्हा नहीं करते, मातम भी तो तन्हाई का तन्हा नहीं करते, और इस चाक गिरेबानी पे समझाने लगे सब, इस चाक गिरेबानी पे समझाने लगे सब, धागे भी ये कहते हैं कि उलझा नहीं करते, इस चाक गिरेबानी पे समझाने लगे सब, धागे भी ये कहते हैं कि उलझा नहीं करते। और शेर देखे कि कहते हैं सभी सुस्त मगर आप कहें क्यों, अच्छा ये शेर सुनाने से पहले आपको एक बात बता दूं कि मेरी कोई भी गजल जो आप सुन रहे हैं या मैं पढ़ता हूं कहीं, वो पहले मेरी बीवी के उससे गुजरती है, उस पर इसलाह करती है उसका बड़ा अच्छा मतलब कॉन्सेप्ट, वो बता देती है कि इस शेर में कुछ गड़बड़ है, आप इसको चेक करें दोबारा ना, ये तो नहीं बताती क्या गड़बड़ है या कैसे, लेकिन उसको अंदाजा हो जाता है कि ये आउट हो रहा है थोड़ा सा बहर से या वजन से, दिल से सुनती है, कान से नहीं सुनती, बिल्कुल। तो फिर इसीलिए मुझे ऐसे शेर कहने भी पड़ते हैं कि वो लोग तो आंखों से भी देखा नहीं करते, जो दिल के दरीचों को कभी वाह नहीं करते, और कहते हैं सभी सुस्त मगर आप कहें क्यों, कहते हैं सभी सुस्त मगर आप कहें क्यों, कह दें जो कभी आप तो हम क्या नहीं करते, वाह वाह, कह दें जो कभी आप तो हम क्या नहीं करते। और अख्तर को बुरा कहते, ये बेसिकली गालिब की जमीन है ये, और उनका एक मिसरा मैंने ग्राह भी लगाई है कि अख्तर को बुरा कहते कोई बात नहीं थी, अख्तर को बुरा कहते कोई बात नहीं थी, गालिब को बुरा कहते हो अच्छा नहीं करते, वो लोग तो आंखों से भी देखा नहीं करते, जो दिल के दरीचों को कभी वाह नहीं, है अभी तक उसी वहशत की इनायत बाकी, कोई भी चीज नहीं घर की सलामत बाकी, मैं भला हाथ दुआओं को उठाता कैसे,
मैं भला हाथ दुआओं को उठाता कैसे, उसने छोड़ी ही नहीं कोई जरूरत। वाह बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मैं भला हाथ दुआओं को उठाता कैसे, कितना खूबसूरत शेर है, उसने छोड़ी ही नहीं कोई जरूरत बाकी। वाह। और शेर देखें कि उसने टूटे हुए टुकड़ों से भी पहचान लिया, उसने टूटे हुए टुकड़ों से भी पहचान लिया है बिखर कर भी मियां मेरी नफासत बाकी। वाह बहुत। उसने टूटे हुए टुकड़ों से भी पहचान लिया है बिखर कर भी मियां मेरी नफासत बाकी। और बेनिशां कोई मकानों के खंडर ना छोड़ो, बेनिशां कोई मकानों के खंडर ना छोड़ो, उनमें रहती है अभी घर की शबाहत बाकी। वाह बहुत। उनमें रहती है अभी घर की शबाहत बाकी। और पहले जज्बात छलक पड़ते थे खामोशी से, पहले जज्बात छलक पड़ते थे खामोशी से, अब तो लहजों में भी खाली है मुरव्वत बाकी। वाह बहुत अच्छे। अब तो लहजों, पहले जज्बात छलक पड़ते थे खामोशी से, अब तो लहजों में भी है खाली मुरव्वत बाकी। बहुत। और खुद को आदत कोई पढ़ने ही नहीं देता हूँ, खुद को आदत कोई पढ़ने ही नहीं देता हूँ, मेरी अब तक है हमेशा की आदत बाकी। वाह बहुत अच्छा। खुद को आदत कोई पढ़ने ही नहीं देता हूँ, मेरी अब तक है हमेशा की आदत बाकी। और शेर देखें मुनीब भाई के, मेरे छूने से कली फूल बनी जाती है, मेरे छूने से कली फूल बनी जाती है, मेरे हाथों में अभी तक है शरारत बाकी। वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मुकरर मुकरर बहुत शरीर हो यार। मेरे छूने से कली फूल बनी जाती है, मेरे हाथों में अभी तक है शरारत बाकी। और मैं जो आज फिर ये वही देखिए तखल्लुस का इस्तेमाल के, मैं जो आ जाऊं तो बुझ जाता है सूरज अख्तर। मैं जो सितारे निकलते हैं तो सूरज बुझ जाता है ना, अख्तर का मतलब होता है सितारे तारा। मैं जो आ जाऊं तो बुझ जाता है सूरज अख्तर, एक ही रह गई छोटी सी करामत बाकी। वाह बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मुकरर मुकरर। मैं जो आ जाऊं तो बुझ जाता है सूरज अख्तर, एक ही रह गई छोटी सी करामत बाकी। वाह बहुत अच्छे बहुत अच्छे। वो भी कुर्बान मेरी जान तुम्हारे। वाह बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत खूब। मेरी महफिल में अगर चांद सितारे होते, वो भी कुर्बान मेरी जान तुम्हारे होते, और मुझको सहराओं से जाने की इजाजत होती, मुझको सहराओं से जाने की इजाजत होती, फिर ये दरिया न समंदर न किनारे होते। वाह बहुत अच्छे। ये दरिया न समंदर न किनारे होते, और वो तो बस शेर देखिएगा कि वो तो बस झूठी तसल्ली को कहा था तुमसे, वो तो बस झूठी तसल्ली को कहा था तुमसे, हम तो अपने भी नहीं खाक तुम्हारे। वाह बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मुकरर मुकरर। वो तो बस झूठी तसल्ली को कहा था तुमसे, हम तो अपने भी नहीं खाक तुम्हारे होते। और शेर देखिएगा कि इनके पीछे भी कोई गम का तसव्वुर हो, इनके पीछे भी कोई गम का समंदर होगा, इनके पीछे भी कोई गम का समंदर होगा, वरना आंसू न कभी आंख में खारे होते। वाह वाह बहुत अच्छे। इनके पीछे भी कोई गम का समंदर होगा, वरना आंसू न कभी आंख में खारे होते। और ये वो रंग जिसके लिए मैं बदनाम हूं कि तेरे वादों को भी बच्चों की तरह से रखता, तेरे वादों को भी बच्चों की तरह से रखता, मुझसे होते तो सभी राज दुलारे होते। वाह बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मुकरर मुकरर। तेरे वादों को भी, तेरे वादों को भी बच्चों की तरह से रखता, मुझसे होते तो सभी राज दुलारे होते। और बात सादा थी मगर देर में समझे अख्तर, बात सादा थी मगर देर में समझे अख्तर, दूर क्यों होते अगर पास तुम्हारे। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बात सादा थी मगर देर में समझे अख्तर, दूर क्यों होते अगर पास तुम्हारे। अपनी काविश को एक मतलब और एक मिसरा एक शेर के, अपनी काविश को जो ईमान बना लेते हैं, नामुरादी में भी इम्कान बना लेते हैं। वाह। अपनी काविश को जो ईमान बना लेते हैं, नामुरादी में भी इम्कान बना लेते हैं। और ये जो जज्बा है मियां जान भी ले सकता है, ये जो जज्बा है मियां जान भी ले सकता है, आप तो सबको यहाँ जान बना लेते हैं। वाह आप तो सब बहुत अच्छे जान बना लेते हैं। बहुत शुक्रिया।
परेशान हो गए, उनसे नजर मिला के परेशान हो गए, यूं आ गए नजर में के मेहमान हो गए। यूं आ गए नजर में के मेहमान हो गए। था प्यार हमको उनसे न कह पाए हम कभी, था प्यार उनको पिता था प्यार हमको उनसे न कह पाए हम कभी, कहकर ये बात उनसे पशेमान हो गए। शुक्रिया। कहकर ये बात उनसे पशेमान हो गए, एहसास उनको मेरी मोहब्बत का हो गया, एहसास उनको मेरी मोहब्बत का हो गया। पहले थे दोस्त मेरे वो अब जान हो गए, पहले थे दोस्त मेरे वो अब जान हो गए। और ये क्या अलग से शेर है, थे आदमी जो पहले के तारीख दौर में, जो आदमी थे आदमी जो पहले के तारीख दौर में, बदला कुछ ऐसे वक्त वो इंसान हो गए। थे आदमी जो पहले के तारीख दौर में, बदला कुछ ऐसे वक्त के इंसान हो गए। तो ये शेर देखिए, हमसे ना पूछो हाल हमारी खुशी कब, हमसे ना पूछो हाल हमारी खुशी कब, उनकी जरूरतों का जो सामान हो गए। शुक्रिया। हमसे न पूछो हाल हमारी खुशी कब, उनकी जरूरतों का जो सामान हो गए। और ये आखिरी शेर है कि चाहत की सल्तनत पे है, चाहत की सल्तनत पे उन्हीं का है राज अब, चाहत की सल्तनत पे उन्हीं का है राज अब, मेरी नजर में आज वो सुल्तान हो गए। आस्ती में वही बन के मेरे सांप मिलेगा। वाह वाह। ऐसा ही अगर है तो चलो घर से फिर निकलो, ऐसा ही अगर है तो चलो घर से फिर निकलो, क्या हाथ पे यूं हाथ धरे इनकलाब मिलेगा। वाह क्या वाह। एक और शेर है, देश के सारे, ये मैं ये जो अरशद शरीफ साहब का हुआ है उसके उनकी नजर ये करता हूँ। ये शेर ये कहता है कि देश के सारे चमन फूल जला बैठोगे, देश के
सारे चमन फूल जला बैठोगे, रखवालो क्या तुम इस घर को मिटा बैठोगे? वाह, क्या तुम इस घर को मिटा बैठोगे? देश के सारे चमन फूल जला बैठोगे, रखवालो क्या तुम इस घर को मिटा बैठोगे? तुमको लगता है फिरौन जमाना हो अब? तुमको लगता है कि फिरौन जमाना हो अब? सरगर्दन से तुम भी गवा बैठोगे। वाह क्या बात, जबर के शौक में तुम होश गवा बैठे हो। तकरीबन जबर के शौक में तुम होश गवा बैठे हो, अपनी इज्जत को ही तुम खुद से मिटा बैठे हो। वाह वाह, अपनी इज्जत को ही तुम खुद से मिटा बैठे हो। अरे तुम तो जामिन थे हिफाजत की मेरे, अरे तुम तो जामिन थे हिफाजत की मेरे, तुम ही सर से मेरी चादर को हटा बैठे हो। वाह क्या बहुत अच्छा, तुम मेरा आज मेरा कल भी हो खाने वाले, तुम मेरा आज मेरा कल भी हो खाने वाले, और मैं समझता था तुम ही तो बचाने वाले। खून सब इनके ही हाथों में मिलेगा तुमको, आंख जो खोल के देखें फैसला सुनाने वाले। वाह वाह, ना कहत है सच्चाई का ना अब फकदान है रहनुमाई का, है वह गुलामी की तमाम जंजीरों को तोड़ेंगे। न समझ सके थे न समझ पाएंगे ये यजीदाने वक्त, न समझ सके थे न समझ पाएंगे ये यजीदाने वक्त, पैगाम उसे न तब रुका था न अब रोक पाएंगे। वाह वाह बहुत अच्छा, और कोशिश किए कहने की कि खींच रहे हैं हर सच्चाई को दार पे एक बार फिर, खींच रहे हैं हर सच्चाई को दार पे एक बार फिर, भूल रहे हैं हाथों में ये अपना अमाल नामा अमाल भी देखेंगे। वाह वाह, कि देखिए कि अर्श शरीफ शहीद के कातिलो सुनो, इसका उन्वान है अर्श शरीफ शहीद के कातिलो सुनो, मैं अपने सीने की राइफल में तुम्हारे हक में वो बद दुआएं जो भर रहा हूं, मैं अपने सीने की राइफल में तुम्हारे हक में वो बद दुआएं जो भर रहा हूं, यकीन जानो मुझे यकीन है खुदा पे अपने कि वो हर एक कल्ब मुस्तरिब का हर एक हरफ दुआ सुनेगा। वाह, हर एक कल्ब मुस्तरिब का हर एक हरफ दुआ सुनेगा, जवाब भी सबको देगा बेशक। अल्लाह ताला जवाब देते हैं हर दुआ का, जवाब भी सबको देगा बेशक। समीय कामिल अलीम कामिल बसीर कामिल है वो मेरा रब, सो उसकी कुदरत में क्या नहीं है, सो उसकी कुदरत में क्या नहीं है, तमाम अहले वतन के दिल की यही तो एक आरजू है पैगम, अगर तुम आ जाओ हाथ इनके तो तुमको कच्चा चबा न जाए। सुनो जमीनी खुदाओ सुन लो, हसीन अस्माए हक में शामिल एकल मुंतकिम भी चमक रहा है। अल्लाह के हसीन नामों में सारे ही नाम हसीन हैं, उसमें एक नाम है अल मुंतकिम, जो शख्स सब्र कर लेता है तो फिर वो अल्लाह के हवाले कर देता है अपने काम को और अपने हिसाब को, और फिर जो अल्लाह का इंतकाम होता है तो वो क्या होता है अल्लाह ही जानता है और वो बंदा ही जानता है। सुनो जमीनी खुदाओ सुन लो, हसीन अस्माए हक में शामिल एक अल मुंतकिम भी चमक रहा है, सो तुम कहाँ बच के जा सकोगे, सो तुम कहाँ बच के जा सकोगे, तुम्हारी तकदीर में तो जिल्लत यहां भी है और वहां भी दायम, तुम्हारी तो कातिलो जहन्नुम लिखी हुई है मुकद्दरों में, और खुदा ने चाहा तो देख लेना तुम्हारे अपने घरों के सारे ही नेक बच्चे तुम्हारी कब्रों पे आके एक दिन कहा करेंगे खुदा की लानत हो तुम पे बाबा। बहुत शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया। ये ऐसा काम है कि जो
कई दिन तक तो खा नहीं सकी, खाना पीना हराम हो गया, सच्चाई का गला घोट दिया गया। और ये सब कुछ जो है वो आपका जो मुहाफिज है ये सब कुछ वो कर रहा है, एक आदमी की हुकूमत है पाकिस्तान में, सिर्फ एक आदमी की। उसकी हुकूमत है, कोई वजीर नहीं है, कोई वजीर आजम नहीं है, कोई अदलिया नहीं है, जो हुक्म वो देता है अदालत वो फैसला करती है। इस गम को कहां ले जाए, परी सुन रही है तो इन्हीं को सुनाता हूँ। कौन कहता है मोहब्बत में भला भी होगा, कौन कहता है मोहब्बत में भला भी होगा, मेरी चाहत और इबादत का सिला भी होगा। कौन कहता है, कौन कहता है मोहब्बत में भला भी होगा, मेरी चाहत और इबादत का सिला भी होगा। उनको बिल्कुल नहीं भाता हूँ मैं जब से, उनको बिल्कुल नहीं भाता हूँ मैं जब से अब तक, उनको बिल्कुल नहीं पाता हूँ जब से अब तक, मुझसे अच्छा कोई इनको मिला भी होगा। क्या बात, मुझसे अच्छा कोई इनको मिला भी होगा। और ये बहुत सच्चा शेर है कि चार साले हैं मेरे और मैं अकेला बहनोई, तो ये बड़ा सच्चा शेर है आपको, चार साले हैं मेरे और मैं अकेला बहनोई, जान जाल में फंसते हुए क्या मैं हिला भी हूँ। बहरहाल ये तो थोड़ी सी खून भी शामिल है अपना इस जमी की खाक में, खून भी शामिल है अपना इस जमी की खाक में, कुल नहीं तो जुज का तो मुख्तार होना चाहिए। हम भी कल तनकीद खाकी वर्दियों पर कर गए, हम भी कल तनकीद खाकी वर्दियों पर कर गए, अब हमारा भी लकब गद्दार होना चाहिए। हमसे ना पूछो हाल हमारी खुशी का, अब उनकी जरूरतों का जो सामान हो गए। जो आला जर्फ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, सुराही सरनिगु होकर भरा करती है पैमाना। वाह वाह, इश्क ने हम पे सितम ही कर डाला, इश्क ने हम पर सितम ही कर डाला, इन पर अब तक वही जवानी है। वाह क्या बात, क्या बात, क्या क्या, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। गालों को छू रहे थे उसके तलाई झुमके, गालों को छू रहे थे उसके तलाई झुमके, सोने की हो रही थी बैठे बिठाए चांद।